जहां सरकारें गांव के अंतिम छोर तक मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे सरहदी बाड़मेर के गांव में हवा हवाई हो रहे हैं। बाड़मेर जिले के गडरा रोड के रतरेड़ी गांव के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। गांव में पानी के जीएलआर हैं जो कई वर्षों से टूटे पड़े हैं। स्कूल भवन है पर जर्जर है और चिकित्सा सुविधा तो यहाँ कहीं दूर तक नजर नहीं आती। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य की गहलोत सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं समेत चिकित्सा व्यवस्था के दावे करती नजर आ रही है, वहीं बाड़मेर जिले की गडरा रोड पंचायत समिति का रतरेड़ी गांव के लोग कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करते नजर आ रहे हैं। यहां पेयजल आपूर्ति के लिए जीएलआर तो बने हैं लेकिन जर्जर हालात में है और जीएलआर के जर्जर होने की स्थिति में यहाँ पानी की सप्लाई नहीं पहुँच रही है, जिससे ग्रामीणों को महंगे दामों में पानी के टैंकर मंगवा कर जलापूर्ति करने के साथ दूरस्थ इलाकों से पानी लाना पड़ता है। इसके साथ ही गांव के सरकारी स्कूल का भवन भी जर्जर अवस्था में है और स्कूल की चार दीवारी भी नहीं है, जिससे आवारा पशुओं का जमावड़ा नजर आता है। सबसे बड़ी समस्या यह है रतरेड़ी गाँव में चिकित्सा व्यवस्थाओं से कोसों दूर है और यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को सामान्य सर्दी जुकाम एवं बुखार होने पर 20 से 25 किलोमीटर दूर अनंतर गांवों में स्वास्थ्य जांच एवं दवाई के लिए जाना पड़ता है। वहीं इमरजेंसी स्थितियों में ग्रामीणों को निजी वाहनों या वाहन किराए कर जिला अस्पताल पहुंचना पड़ता है। बगी भी टूटी भी कई महीना नहीं है पानी पीने धर्म को दृश्य को पानी पीने रो और गवर्नमेंट में कोई जे न्याय हुआ तो जो माने कोठो बनाए दे नजर में धूल ना खेज दिन झूठी पापों को मच्छर जुड़ी पी गई बरस जाए। जी हमारे गांव में सर मेन समस्या तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गांव एक 19वीं सदी में गिरा है। मतलब देखा जाए 19वीं सदी में आने वाली सारी समस्याएं भी गांव में है नीतिविधि, और मैं आपको वो समस्याएं अगर गांव की अवगत करना चाहूँ तो हमारी नंबर वन गांव की समस्या है मेन, जो गाँव की पानी की होदी जो पूरे ग्राम पंचायत की होदी है जो मेन होदी है उसके ऊपर की छत पूरी तरह से टूट चुकी है, ग्रस्त हो चुकी है। उस छत को टूटने में 10 साल हो गए टूटी हुई को, जिसमें दो गांव में दो सरपंच आ गए टूटी हुई के बाद 10 साल में, दो विधायक आ गए, अभी तक दो विधायक दो सरपंच एक गांव की होती की छत तक ठीक नहीं करा पाए। हमारे गांव में 12 तक स्कूल है उसकी अभी तक 4 दीवारी तक नहीं है। हमारे गाँव में डॉक्टर नर्स स्वास्थ्य केंद्र वगैरह वो भी कुछ नहीं, अभी तक कोई सुविधा ही नहीं। गांव में मूलभूत सुविधाओं का दंश झेल रहे ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं, जेलार जर्जर होने के साथ सूखे पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को दूर दराज इलाकों से पानी लाना पड़ता है और कई बार महंगे दामों में पानी के टैंकर भी मंगवाने पड़ते हैं। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल का भवन भी जर्जर है, कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। पानी एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए कई बार जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन सिवाय आश्वासन के उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों का बुरा हाल है।